नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बात है महाराष्ट्र के करीब 50,000 परिवार के रोजगार छीनने की। जी हाँ, एक आदेश के कारण आज महाराष्ट्र के 50,000 लोग, 50,000 परिवार रोजगार से वंचित हो गए। कैसे? एक ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच ने एक ऑर्डर निकाला कि जो पानी बेचा जाता है, खुला पानी बेचा जाता है, केन में, वाटर केन में भरकर जो खुला पानी बेचा जाता है, आपने भी कई जगह शादी ब्याह में, मंगल उत्सव पर ऐसी केन देखे होंगे जिसमें चिल्ड वाटर रहता है, वो ड्रिंकिंग वाटर रहता है, हालांकि सारे यूनिट उसको आरओ बनाकर बेचते हैं, जिस टाइप से बाकी मिनरल वाटर है उस टाइप से, लेकिन आरओ वाटर बेचना भी मना है। खुला आरओ वाटर नहीं बेच सकते, पैक करके बेचना पड़ता है। तो ये पूरा प्यूरिफाइंग करके वाटर ये ठंडा करके दिया जाता है। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में करीब 5,000 से 10,000 यूनिट होने की संभावना है। एक जानकारी के अनुसार अमरावती जैसे शहर में 100 से, पूरे अमरावती जिले की बात कर रहा है, 100 से 200 यूनिट अमरावती जैसे एक छोटे शहर में है। तो पूरे यदि महाराष्ट्र की बात की जाए जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद जैसे महानगर शामिल हैं, एक यूनिट के ऊपर करीब 10 परिवार का गुजारा चलता है। ऐसे 5,000 यूनिट भी हमने मिनिमम पकड़े तो 50,000 परिवार एक दिन में बेरोजगार हो गए। कहीं इसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं इसकी सुनवाई नहीं है। इसके पीछे का यदि कारण देखा जाए कि यह ऑर्डर क्यों दिया गया, तो किसी एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि यह जो कैन का वाटर है, यह बोरिंग में से, जमीन में से निकाला हुआ पानी रहता है, यह शरीर के लिए घातक होता है, यह प्यूरिफाइंग नहीं होता है, इससे कई ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इतनी सी बात को लेकर यह मामला महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड के पास गया, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के पास गया, सेंट्रल पोल्यूशंस के पास गया, सारे ये एक्चुअली आपस में सारे एक दूसरे से करस्पॉन्डेंस करते रहे। इस करस्पॉन्डेंस का नतीजा है कि कई बार इसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड ने भी हाथ झटक दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, उन्होंने करना चाहिए, लेकिन जो वाटर अथॉरिटी है, ग्राउंड में से जो पानी निकालने की अथॉरिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। एक लाइन लिखी, जिसके पास इस विभाग की अनुमति नहीं है, ऐसे तमाम यूनिट तुरंत आदेश से बंद कर दिया जाए। और ये ऑर्डर था 19/10/2020 को, आज 6 तारीख को इसकी रिपोर्ट पेश करनी थी सामने कि कितने इसमें क्या कार्रवाई। तो आज कल से ही महानगर पालिका ने अमरावती के तमाम यूनिट को सील करना चालू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब तक हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, करीब 20 से 22 यूनिट अमरावती के सील कर दिए गए थे। अमरावती जैसे छोटे शहर में 100 से 200 यूनिट होना, यानी करीब 1,000 से 2,000 परिवार का इस व्यवसाय के माध्यम से रोजगार चलता है। पिछले लगातार 8 महीने से जहां पूरा व्यापार ठप पड़ा है, दिवाली के सामने लोगों को थोड़ी आशाएं दिखी। हमने कल भी जैसे मार्केट में बताया कि मार्केट में रौनक वापस लौट गई है, लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी, लोगों के व्यापार चलने लगे, लोग 8 महीने का जो गैप गया था, उनका जो खाली स्थान गया था, वो करीब करीब भूलने लगे। ऐसे में एक इंडस्ट्री को पूरी तरह बंद कर देना, वह भी बिना किसी सूचना और बिना किसी अनुमति के, खैर इल्लीगल काम था तो सरकार को अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन यह धंधा करीब पिछले 15 साल से चल रहा है। मैं 2005 से देख रहा हूँ कि कैन ठंडे पानी की लोगों के घरों तक और शादियों तक पहुँचाई जाती थी। आज 15 साल हो गए इस व्यवसाय को करते करते, आज अचानक से इल्लीगल कैसे लग गया? जितना भी अभी मेरे पास में कोर्ट का ऑर्डर है, करीब 17 पेज का इसमें ऑर्डर दिया गया और इसमें लिखा गया है कि जो भी यूनिट, जो भी कमर्शियल जो पानी का वापर करता है, ऐसे कोई भी जिसके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी की अनुमति नहीं है, यानी उनका एनओसी नहीं है, यानी उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे तमाम यूनिट बंद कर दिए जाए। महानगर पालिका का सबसे पहला ध्यान
कैन द्वारा पानी का सप्लाई देने वालों पर गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की उगाही उससे होती है। बहुत सारे कारण इसमें दिए गए, कई कारण जस्टिफाई भी होते हैं कि पानी का वेस्टेज बहुत है, उसका रेन हार्वेस्टिंग नहीं होता, पानी रिचार्ज नहीं होता, तो पानी की लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। उस पानी के लेवल मेंटेन करने के लिए जो रिचार्ज की प्रोसेस करनी चाहिए, बहुत सारे यूनिट नहीं करते, करने चाहिए। सरकार ने भी इनके साथ में सख्ती करनी चाहिए कि जो यदि वाटर रिचार्ज का यूनिट नहीं लगाता तो उसका बिल्कुल निश्चित रूप से सील कर देना चाहिए। उसको कोई अधिकार नहीं बनता। यदि आप पानी ज़मीन में से निकाल कर वेस्ट नाली में बहा दे रहे हो और आपको कोई कुछ नहीं बोले तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, एक नियमावली होनी चाहिए कि भाई 15 साल से जो बिजनेस कर रहा है उसको, यदि आपको हिसाब से, हो सकता बोर्ड के हिसाब से इल्लीगल हो क्योंकि उन्होंने ग्राउंड से वाटर निकालने की परमिशन नहीं ली, मांगी भी होगी, दी कहाँ, क्योंकि सेंट्रल वाटर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक लाइन के इसमें लिख दिया कि हमने किसी को भी ग्राउंड से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी। यानी कोई बोले कि मेरे पास में है अनुमति तो नहीं है, टोटल जितने यूनिट चल रहे सारे के सारे इल्लीगल। साथ ही ऐसे होटल व्यवसाय, मंगल कार्यालय जहाँ पर भी पानी का कमर्शियल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हालांकि होटल में और मंगल कार्यालय में पानी का वेस्टेज नहीं होता, इस प्लांट में चूंकि ये कहते हैं कि हम ड्रिंकिंग वाटर बेचते हैं लेकिन सारे यूनिट आरओ वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम से फिल्टर करके देते हैं, यह भारी पानी को हल्का करता है, सॉफ्ट करता है, जो पानी हार्ड होता है उसको सॉफ्ट करता है और पीने योग्य बन जाता है। इतनी सारी प्रोसेस करके लोगों के घरों तक एक एक कैन पहुंचाना, शादियों तक पहुंचाना, और मात्र 30 रुपए में 18 लीटर पानी आपके घर तक पहुंचता है। निश्चित रूप से कोई यदि धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो किसी दूसरे धंधे का नुकसान होता है, हालांकि सब धंधा कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किनको हो रहा है और ऑर्डर किसके लिए जा रहा है। चूँकि देखा जाए तो पूरा टेक्निकल बातें इसमें सारे लिखी गई है, कोई भी, मैं भी यदि पढ़ता हूँ इसको तो लगता हाँ भाई ये सही है, लोग ऐसा वाटर बेचते हैं, कई जगह उसमें हम देखते हैं कभी कभी वाटर में गंदगी भी आ जाती है, कभी कभी कैन धोई भी नहीं रहती है, तो ये इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो भी बुरे काम वाले जैसे बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आखिरी में आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया कि तमाम ऐसे यूनिट जिनके पास भी ग्राउंड से वाटर निकालने की परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है, ऐसे तमाम यूनिट को सील कर दिया जाए, और कार्रवाई शुरू हो गई। अभी पहले फेज में वाटर कैन वाले है, वाटर सप्लाई करने वाले, तो दूसरे फेज में बाकी होटल्स वगैरह भी हैं, कमर्शियल वाटर जिसने भी अनुमति नहीं ली सभी को यह प्रोसेस से गुजरना होगा। अब इसके पीछे यदि हम सीधा सीधा देखे जाए कि ऐसा क्यों हुआ, एक व्यक्ति जिसने एक जगह से पानी लिया, पानी खराब मिला, शिकायत की, उसके सैंपल्स लिए और सरकारों के बीच में, ट्रिब्यूनल के बीच में, एजेंसियों के बीच में पूरी करस्पॉन्डेंस चला, और आखिरी में डिपार्टमेंट ने ही, उसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड भी शामिल है, सेंट्रल वाटर कंट्रोल बोर्ड भी शामिल है, इन सब लोगों ने मिलकर, लोकल अथॉरिटी भी है, यह तय कर लिया कि जो यह शिकायत की गई यह सही है, ऐसे पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जहां स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और पानी की लेवल, वाटर लेवल जमीन की कम हो सकती है। पूरा इसमें पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को कितना पानी लगता है, ये लोग कितना पानी निकालते हैं, कितना वेस्ट जाता है, और ये पानी के लेवल वापस मेंटेन करने के लिए इनके क्या प्रयास है, ये सारी चीज़ें इस प्रोसेस में दी हुई है। हालांकि बहुत जगह ये फॉलो नहीं होता, ये फॉलो होना चाहिए, यदि ये चीज़ नहीं होती, इस चीज़ के साथ सख्ती की जाए तो बिल्कुल आपने सख्ती करनी चाहिए और ये चीज़ फॉलो करा लेनी चाहिए। लेकिन साथ में 50,000 लोगों के रोजगार का सवाल है। ठीक है, किसी भी प्रकार के रोजगार में हम किसी भी ऐसे गलत काम की ये नहीं करेंगे, साथ में नहीं जाएंगे,
गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उसको सही किया जा सकता है। 15 साल से जो काम चल रहा है सरकार के ध्यान में पहले भी था, अभी भी था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले दिनों की बात है कि 2012 में ये वाटर सप्लाई वाले दो प्रकार की कैन होती है, एक तो ये हाथ से ले जाने की जार जिसमें फ्लास्क लगा होता है, पानी 8 से 10 घंटे ठंडा रहता, और दूसरा जो यानी पैकेजिंग वाटर आता है बड़े कैन में, पैकेजिंग वाटर में 20 लीटर की कैन आती है जो उल्टी रख के हम लोग घर में फिल्टर में पानी पाते हैं। वो काम कंपनियों का है, जितनी भी पैकेजिंग वाली कंपनी वाटर पैकेजिंग करे, करीब करीब वाटर की जो इंडस्ट्री लगती है करीब करीब 25 NOC उसको लेनी पड़ती है करने के लिए, और इनको कोई NOC नहीं है जो लोकल में पानी बनाकर बेचते हैं। सिंपल एक शॉप एक्ट का लाइसेंस है इनके पास में, इंडस्ट्री का भी लाइसेंस है नहीं है पता नहीं है, इस प्रकार से यह काम चलता है। अब उस समय 2012 में सारे इनकी संगठना बनी और संगठना ने को कंपनियों ने कहा कि भाई आप ये जार ना बेचे, क्योंकि ये इनका मैंने बताया कि 18 लीटर पानी मात्र 30 रुपये में ये बेच देते हैं घर पोस्ट डिलीवरी लाकर, यानी 1.5 रुपये लीटर करीब आपको घर में पड़ता है पानी। वो बॉटल जो बिस्लेरी और बड़ी बड़ी कंपनियों की आती है वो उनकी कीमत है 60-65 रुपये और ये देते थे 30 रुपये। निश्चित रूप से पानी दोनों एक समान है, बिस्लेरी का पानी पियो, किनले का पियो या इनका आरओ का वाटर पियो, करीब करीब टेस्ट सभी का समान होता है, सभी की प्यूरिफाइंग समान है। ऐसे में जो चीज़ 30 रुपये में मिलती है कंपनी की 60 रुपये में क्यों लेगा, तो कंपनी का धंधा यहाँ मार खाने लगा। और ऐसे समय ये जो छोटे 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 यूनिट है इन सारे यूनिट को बंद करके आखिर फायदा किसका, क्योंकि पानी की कमी कहीं ना कहीं से तो पूरी होगी। लोगों को अब आरओ का वाटर पीने की आदत पड़ गई है, कोई आजकल सादा पानी पीना नहीं चाहता, कहीं पर शादी में हो, मंगल कार्यालय में हो, यहाँ तक कि हम चाय की टपरी पर यदि खड़े रहते तो वहाँ पर भी एक कैन का पानी रखा रहता है, तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी और ये बंद करने के पीछे फायदा किसका। शादियों में एक एक शादी में करीब करीब 200-400-500 जार यानी 18 लीटर के लगते हैं, यदि ये अब नहीं रहे तो निश्चित ये ऑर्डर कंपनी को जाएगा। छोटी छोटी बॉटल्स शादियों में दिखती है, छोटी छोटी बॉटल्स दुकानों में दिखती है, मैंने बताया कि 20 लीटर का जार जो उल्टा रख के ट्रांसपेरेंट हम कई जगह कंपनियों में भी देखते हैं, होटल्स में भी देखते हैं, वो रखा जाता है, उसकी बिक्री अब उनकी बढ़ जाएगी। और हम भी देख रहे हैं कि जितने भी सारे व्यवसाय है सारे के सारे कॉरपोरेट क्षेत्र को शिफ्ट किए जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट हाउस है, उन लोगों की तरफ कन्वर्ट किया जाए। अब ये पानी का बिजनेस अमरावती में बताया कि 100 यूनिट कम से कम, एक यूनिट का अंदाज धंधा, अरे ऐसा साल भर का व्यवसाय पकड़ो तो अमरावती में करोड़ों का व्यापार सिर्फ पानी का है, सिर्फ मात्र अमरावती में, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में मल्टी करोड़ में बिजनेस है, और यह बिजनेस छोटे छोटे लोग कर रहे हैं। छोटा सा घर है जिसका 2 रूम का भी घर है, 1 रूम में वो आरओ का यूनिट लगा के चिलर लगाता है और 150 कैन से अपना व्यापार शुरू कर देता है, मात्र 2-4-5 लाख की लागत में, जहां उसको नौकरी नहीं मिलती, कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता, और पिछले 8 महीनों में कितने ही लोगों ने अपना व्यापार खोया, कितने लोगों ने नौकरी खोई है। ऐसे में यदि महाराष्ट्र से 50,000 परिवार एक लाइन ऑर्डर के कारण यदि बेरोजगार हो जाते हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम रोजगार अभी दे नहीं सकते, रोजगार की बात ना केंद्र सरकार करती है ना महाराष्ट्र सरकार करती है। हालांकि कहीं भी दूर दूर तक इसमें महाराष्ट्र सरकार का रोल नहीं है, लेकिन यदि महाराष्ट्र सरकार के पोल्यूशन बोर्ड ने पहले एक्शन लिया होती, सबको एक नियमावली बना दी होती और वह रिपोर्ट उनको दे दी कि हम इस नियम के अंतर्गत यह कार्य कर रहे, तो शायद यह बात नहीं आती। हर व्यक्ति लापरवाही में या कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम मैनिपुलेटेड हुई है। ट्रिब्यूनल के पास में तो जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर वह अपना निर्णय देंगे, और फैक्ट्स वैसे प्रस्तुत किए गए कि ऑर्डर इस ढंग से मिल गया, निश्चित इसका फायदा पूरा का पूरा कंपनियों को होना है। कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह निर्णय, हम यह नहीं कह रहे कि ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय गलत दिया है, लेकिन जो उनके सामने फैक्ट्स रखे गए, अब फैक्स रखे गए तो इसमें दूसरा पक्ष कहीं नहीं है, ट्रिब्यूनल के सामने सिर्फ एक ही पक्ष है, सरकार 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 और सरकार।
इसमें जो इफेक्टेड लोग थे 5,000 लोगों की कम से कम यूनिट है, हम बहुत कम आंकड़ा बताया, 5,000 से 10,000 यूनिट है, और ये पता है कि इतने यूनिट है। हालांकि इसमें इस ऑर्डर्स में ये लिखा गया कि 100 यूनिट है, अब ट्रिब्यूनल को भी लगा होगा साथ में कि 100 लोगों के यूनिट है, 100 लोगों के यूनिट में 10 भी एक परिवार पर पड़ लिए तो 1,000 लोग बेरोजगार होंगे, उनके पर्याय व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन नहीं, यह जानकारी इसमें छुपाई गई कि महाराष्ट्र में इसके ऊपर कितने लोग डिपेंड है। कई सारे ऐसे व्यवसाय कभी नोटबंदी के कारण हो गए, कई व्यवसाय GST के कारण चले गए। अब ये व्यवसाय जो मेहनत मजदूरी वाला व्यवसाय था, क्योंकि इसमें ठेले वाला, कटले वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, मजदूर, लेबर, कई सारे लोग इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये सारे लोग एक झटके के साथ में बेरोजगार हो गए। या तो सरकार इनकी पर्याय व्यवस्था करे, या इनके बीच में क्या रास्ता निकल सकता है, इन लोगों के साथ में बैठक लेकर रास्ता निकालना चाहिए। पानी ज़मीन से निकालने में यदि पाबंदी है तो उसमें मीटर लगाइए, आप उनके पैसे लीजिए, यूनिट से पैसा लीजिए, इनको भी पैसा आगे ट्रांसफ़र करना है। आज जो 30 रुपये में ये पानी बेचते हैं वो 40 रुपये में बेचेंगे, लेकिन छोटे छोटे व्यवसाय को ख़त्म करने का काम किसी भी आदेश के द्वारा नहीं होना चाहिए। हम आदेश वापस लेने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें सुधारणा की जा सकती है। सेंट्रल वाटर गवर्नमेंट अथॉरिटी को बोला जा सकता है कि किसको परमिशन दी जाए, किस लेवल पे परमिशन दी जाए, कंडीशनल परमिशन दी जाए, इनको जो यूनिट चालू उनको कंडीशनल परमिशन दी जाए, मीटर लगाया जाए हमारे पानी के कि आपको इतना चार्ज लगेगा, वेस्टेज पानी की व्यवस्था की जाए कि आपका पानी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, नाली में नहीं बहना चाहिए, इसके लिए उन्हें सूचना दीजिए। यदि नहीं करता ऐसा कोई आपके आदेशों का पालन, तो निश्चित रूप से उनसे सील कीजिए, उसको धंधा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो लोग 15 साल से लगातार रोजगार कर रहे और इसी रोजगार पर सब कुछ, उनके साथ में काम करने वाले परिवार सारे डिपेंडर, वो एकदम से यदि बेरोजगार हो जाते हैं तो निश्चित आपके पास में रोजगार देने को कोई कारण नहीं है। चूंकि ऑर्डर ट्रिब्यूनल बोर्ड का है, हालांकि ये सारे आमदार खासदार के पास निवेदन देने का, अब कितना वर्क कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन सरकार के पास सूचना दी जा सकती है इनके माध्यम से कि इतने इतने महाराष्ट्र में बेरोजगार हो सकते हैं, इनके ऊपर रास्ता निकाला जाए, यहाँ पर अथॉरिटी ली जाए पानी रिसोर्सेस से निकालने की, लोकल में अथॉरिटी दी जाए उनको कि किसको परमिशन देनी है किसको नहीं देनी है। ठीक है, एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बैठ जाएंगी, इसको सिस्टम में बैठाया जाए, लेकिन पूरा यूनिट सील करके बंद करना, यह कतई भी 5,000 लोगों, 5,000 यूनिट जिसमें 50,000 परिवार का रोजगार जुड़ा हुआ है, किसी भी हालत में यह चीज उचित नहीं हो सकती है। नियम बनाए जा सकते हैं, उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, एक सिस्टम में बैठाया जा सकता है, और हो सकता है, ये नहीं हो सकने वाली बात नहीं है। सील कर देना किसी का धंधा बहुत आसान है, क्योंकि महानगर पालिका भी क्या करेगी, उसके पास में 17 पेज का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि आप इस जगह को सील करें, उनको ऑर्डर आदेश का पालन करना है। उन्होंने आदेश का पालन किया, अमरावती की यूनिट सील करना चालू किए, अभी प्रक्रिया चालू है। इस बाबत हमने जब अमरावती में ऐसे यूनिट वालों से बात की, इन्होंने मीटिंग भी ली, लेकिन इनके साथ में भी कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं, क्योंकि ये व्यवसायी आदमी, इनमें कोई लीडर नहीं होता है कि भाई किस ढंग से किससे बात करनी, किससे जाके मिले, क्या है, भीड़ जमा हो गई, चले चले, क्या करना क्या नहीं करना यह नहीं पता है। हमने इन लोगों से बात की, इन्होंने अपनी व्यथा रखी है, इस माध्यम से तमाम वे प्रतिनिधि जो इसमें कुछ कर सकते, आमदार खासदार मंत्री महोदय, बहुत मुश्किल काम नहीं है कि किसी को पानी के लिए परमिशन ना मिले, और इतना बड़ा व्यवसाय छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, 100 इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री का दर्जा देंगे इसको, 100 इंडस्ट्री अमरावती में, 100 इंडस्ट्री को आपने एक झटके से बंद कर दिया। जितने भी अमरावती के प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उनकी व्यथा समझिए और उनके साथ में न्याय कीजिए। और यह बात अमरावती की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की है, अमरावती से शुरुआत तो कीजिए, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के सारे इंडस्ट्रीज आपके साथ होंगे। किसी का रोजगार ना छीने, क्योंकि किसी को रोजगार देने की कैपेसिटी सरकार में नहीं है। बस आज के लिए इतना ही है। मैं अविनाश राउत, निर्मल एक्वा कंपनी, अमरावती आरओ एक्वा संघर्ष समिति तर्फे सांगू इच्छितो
कि काल अमरावती महानगरपालिका आयुक्त साहेबांनी एक आदेश काढून सर्व प्लांट धारकांचे प्लांट सील करण्याचे आदेश काढलेले आहे, परंतु आम्हाला अजूनपर्यंत असं काही माहिती नाही आहे की बा कशासाठी सील करत आहे। काल आम्ही आयुक्त साहेबांना भेटलो, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की आम्हाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पत्र मिळालं आहे, त्याच्यानुसार आम्ही सील करत आहे। काहीतरी कोर्टाचा आदेश झालेला आहे, परंतु आम्हाला तो मिळालेला अजून नाही आहे, तर त्याच्यामुळे ते प्लांट सील करत आहे। परंतु जे काही कोर्टाचा आदेश निघाला असेल त्याचं आम्ही स्वागत करू। अगर आमच्या प्लांट धारकांनी जे काही त्यांनी सांगितलं CGWAचं सर्टिफिकेट ज्यांच्याकडे नाही आहे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं सर्टिफिकेट ज्यांच्याकडे नाही आहे किंवा फूडचं जे लायसन आहे ते त्यांच्याकडे नाही आहे, असे तीन लायसनची त्यांनी मागणी केली आहे, तर ते लायसन सध्या अमरावती शहरामध्ये कोणाकडेच नाही आहे। फक्त शॉप ॲक्ट आणि बाजार परवाना विभाग, महानगरपालिकांनी बाजार परवाना विभाग दिला आणि शॉप ॲक्टचं लायसन सर्वांकडे आहे। या धंद्यासाठी कोणते कोणते लायसन पाहिजे हे अजूनपर्यंत अमरावती शहराच्या कोणत्याच प्लांट धारकांना माहिती नाही आहे। त्याच्यामुळे एकदम जी तात्काळ कार्यवाही करून सील करण्याची कार्यवाही होत आहे ती साहेबांनी थोडी थांबवली पाहिजे, आणि जे काही कोर्टाचा आदेश असेल तर बा एक नोटीस देऊन बा असं असा आदेश झालेला आहे, त्याच्यामुळे असे असे सर्टिफिकेट अगर तुमच्याकडे असेल तर आम्ही तुम्हाला प्लांट चालू देऊ किंवा अन्यथा बंद करू। तर ते लायसन काढायसाठी आम्हाला थोडा वेळ दिला पाहिजे, तर त्यामुळे आम्ही थोडंसं जे काही लायसन असेल ते काढू शकू। त्यामध्ये पण असंच हे केलं होतं, बंदची कार्यवाही केली होती, त्यावेळेस फूड ऑफिसरचं फूडचं लायसन नाही आहे म्हणून सांगितलं होतं, परंतु फूडमध्ये आम्ही माहितीच्या अधिकारामध्ये मागितलं की बा आम्हाला कोणचं तुमचं डिपार्टमेंटचं लायसन पाहिजे का, तर त्यांनी आम्हाला लिहून दिलं की बा आमची सिल्वन पॅक सिल्वनसाठी आम्ही लायसन देतो, तुमचं लूज आहे तर ते आमच्या अखत्यारीत येत नाही। तेव्हापासून ती कार्यवाही बंद झाली होती। आता महानगरपालिकेनं मागच्या 1.5 वर्षाच्या आधी पुन्हा सर्व प्लांट धारकांची मीटिंग बोलावली होती, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की ज्यांच्याकडे बाजार परवाना नाही आहे त्यांना रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीम ज्यांच्याकडे नाही आहे तर ते आम्ही प्लांट बंद करू। मग आम्ही त्यांना असा वेळ मागितला होता की सर ज्यांच्याकडे नाही आहे तर त्यांना काही वेळ द्या ते करून घेतील, तर त्यांनी काही बाकी प्लांट धारकांनी करून घेतले आणि त्यांना बाजार परवाना महानगरपालिकेने दिला आहे। दुर्गा ॲक्वाकूल 20 वर्षापासून हा मी व्यवसाय करत आहे। व्यवसाय करत असताना आम्हाला खूप परिश्रम करावे लागले या व्यवसायाकरिता। आमच्यापाशी कोणतेच कागदपत्र नसताना त्यावेळेस आम्ही हा व्यवसाय चालू केला। मध्यंतरानं काही कालांतरानं महानगरपालिका आमच्या इथे येत होती, आमचे पाणी चेक करत होती, पाणी चेक केल्यानंतर त्या आम्हाला ओसीवर त्यांच्या सही मारायला लावत होती, आम्हाला तुमचं पाणी चांगलं आहे, आमच्यापाशी त्याची कॉपी पण आहे। महानगरपालिकाचे जे स्वास्थ्य अधिकारी आहे ते पण आमच्या इथे प्लॅटवर येत होते आणि आमचं पाणी चेक करून घेत होते आणि तुमचं पाणी चांगलं आहे आणि ते घेऊन जात होते। 2012 पण असंच एक आमच्यावर खूप हे आलं होतं, गत्यंतर आलं होतं, त्यावेळेस पण अन्न आणि ड्रग्स अँड फूडचं जेव्हा आलं होतं आमच्यावर त्यावेळेस पण असं झालं होतं का तुम्ही तुमच्यापाशी कागदपत्र नाही, पण आम्ही त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो तर ते अधिकारी म्हणत होते का तुम्ही आमच्या कायद्यात बसत नाही। मग आम्ही कायद्यात बसत नाही तर मग आम्ही स्वतःहून म्हणतो ना का आम्हाला कायद्यात घ्या, आम्हाला तुमच्या कायद्यात घ्या, तुमची जे पण असाल जे तुमची फी आहे जे तुमचं जे काही असाल ते सांगा तुम्हाला, आम्ही तुमचं ते फॉलो करतो, तुमचं जेही काही कायदा असाल आम्हाला लागू करा जे काही। पण ते अधिकारी म्हणे तुम्ही याच्यात बसत नाही, मग आम्ही बसत नाही तर मग आम्ही कसं करावं, म्हणजे तुम्ही शासनापाशी जा, मग शासनापाशी आम्ही काय सांगा, मग शासनापाशी तुम्ही असं सांगा म्हणे का हा ठराव शासनाने हा ठराव मंजूर करून घ्या लागेल, कारण की हा ठराव मंजूर केल्याशिवाय तुम्ही थंड जारवाले त्याच्या कायद्यात बसत नाही। ठराव राज्य शासन निर्णय घेऊन त्याचा ठराव त्यांना प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, ठराव घ्या लागेल त्यांना का का आम्हाला थंड पाणी जेवढे महाराष्ट्रातले जेवढे बी ॲक्वाकूल थंड जे पाणी विकतात का त्यांना आमच्या कायद्यात बसून घ्या, तर ते ठराव मंजूर करून घ्या। आणि आता 8 महिन्यापासून आमचा सर्व व्यवसाय ठप्प आहे, कोविडमधून कोविड-19 चालू आहे, आमचं एकही नाही। आता आम्हाला वाटलं का बस चला दिवाळीनंतर काही थोडीशी सवलत देईन गव्हर्नमेंट का थोडंसं आमचं
सीजन लग्नाचं सीजन चालू होईल मंगल कार्यालयात आमच्या लग्नाने कॅना जाते कोणता कार्यक्रम आहे आज तर मैत्रीत मैया झाली तिथेही आमच्या कॅना जात नाही वाढदिवस आहे बारशी आहे साक्षगंध आहे लग्न आहे कोणताही गॅदरिंगचा कोणत्याही अमरावती शहरात अमरावती जिल्ह्यात कोणताच गॅदरिंगचा कार्यक्रम होत नाही तिथं आमच्या कॅना जात नाही आणि इकडून तिकडून आमच्यापाशी 10-20 कॅना 5-25 कॅना दुकान नाही जाते तर तेही आमच्या आज बंद आहे आमचे शिलं स्वतः घरातील आमच्या घरगुतीत आमचे स्वतःचे प्लॅन्ट आहे आणि घरं येऊन आमच्या घराला शील लावून राहिले घराला शील लावत असताना आम्ही घरातून जाऊ कुठे आमच्या बायका कुठून जाईन आमचे लेकरं बाळा कुठून जाईन आम्ही कुठून जाणार आहे शील येऊन 10-10 द्यायचे अधिकारी येते सगळं म्हणजे आमचे सगळ्यात जास्त पाणीवाले आहे आमच्यापाशी 2-2 गाड्या आहे इलेक्ट्रिक बिल आहे आता इलेक्ट्रिक बिल आमच्या एवढ्यावर ठपला आहे का तुम्ही जर आमचं चौकशी करू शकता का 1-1.5 लाख रुपये आमच्या अंगावर कोरोनाच्या 19 जे 7-8 महिने झाले त्याचे इलेक्ट्रिक बिल थकलेलं आहे आम्हाला असं वाटलं का चला दिवाळीनंतर आम्ही काहीतरी थोडंसं धंदा पाणी करून ते इलेक्ट्रिक बिल थोडं किस्तीनं तरी भरून दे का 10-10, 15-15, 20 हजार आम्ही तर किस्तीनं भरून देते त्यांचं पण आता कोविड-19 आता चला दिवाळीनंतर होईल पण हे दिवाळीच्याच पहिले जर आमच्यावर आता आम्ही दिवाळी कशी करू काय करू आता कोणाचे काय करू म्हणजे आमच्या लेकरं बाळाला आम्ही कपडे घेऊ का खाऊ घालू का पहिलेच आम्ही उपाशी मिळलो ह्या 8-9 महिन्यात तर आता आम्ही फक्त महानगरपालिका आयुक्त आहे फक्त यांना नम्र विनंती आहे फक्त आम्ही हात जोडून आम्ही म्हणजे हात जोडून नम्र विनंती आहे महानगरपालिका आयुक्त महापौर यांना नम्र विनंती आहे का त्यांनी कृपया करून तरी आमच्या इकडे लक्ष द्या त्यांनी जे सील लावायची जे तुम्ही जे सांगून राहिले का सील नका लावू आम्हाला सवलत द्या काहीतरी 2-1.5 महिन्याची काहीतरी सवलत द्या त्या सवलतमध्ये आम्ही त्याचा पर्याय शोधतो आम्हाला पण वेळ द्या ना तुम्ही एका दिवसात कालची तारीख म्हणजे 6 तारखेला माझ्या इथं 12 वाजता आले आणि 12 वाजता आल्यानंतर तुमच्यापाशी काय कागदपत्र आम्ही म्हटलं बा शॉप या काय बाजार परवाना आहे याच्यावरती तर माझ्यापाशी कोणताही कागद नाही माझ्यापाशी 2 कागद आहे त्याच्यावरचा 3रा कागद माझ्यापाशी नाही मग त्याच्यानंतर 3-3:30 वाजतापासून महानगरपालिकांना बाकीचे जे कारखाने त्यांना ते पाण्याचे प्लॅन आहे त्यांना सील लावणं चालू केलं पण कृपया करून माझी सगळी नम्र विनंती आहे महानगरपालिकेला का बा कोणाचाही सील लावू नका कुठेही अशी कारवाई करू नका आम्हाला सवलत द्या थोडीशी समोर दिवाळी आहे दिवाळी झाल्यानंतर आमच्या अंगावर जे कर्ज झालं आहे 8 महिन्याची आमच्या अंगावर कर्ज झाला आहे जे गाड्याच्या आमच्या किस्ता रुकल्या आम्ही जे इन्स्टॉलमेंटनं फायनान्समध्ये ज्या गाड्या घेतल्या त्याच्या किस्ता रुकलेल्या आहे त्याच्यानंतर जे MECB आहे तुम्ही MECBवाल्याला तुम्ही माहिती काढून घ्या MECBची का अमरावती शहरात कोणा पाणीवाल्याच्याकडे किती पैसे रुकलेले आहेत तर आम्हाला असं वाटलं का बा दिवाळीनंतर काहीतरी आमचा व्यवसाय होईल त्याच्यातले आम्ही थोडं MECB ऑफिसरला भेटून बा 20 हजार देतो आम्ही ह्या महिन्यात त्या महिन्यात 30 हजार देतो असं करून बा हे भरतो आमचे इथे जे कर्मचारी आहे आता मी माझ्यापाशी 2 लेबर आहे तर बा त्याही लेबरचंही नुकसान झालं ना ही माणसं कुठे जाईन आज एवढ्या नोकऱ्या जात आहे सगळ्या जात आहे आणि आमच्यापाशी तरी सगळ्या पाणीवाले आज अमरावती 300 पाणीवाले आहे 300 पाणी असल्याच्या प्रत्येका ठिकाणी तर 2 आहे 3 म्हटलं तर 1200-1500 आजचे लेबर आणि त्यांच्या फॅमिल्या म्हणजे 1200-1300 तर लेबर झाले आणि त्यांची फॅमिली म्हणजे आज 5000 जनता म्हणजे 5000 बेरोजगार एवढे म्हणजे पोट भरू शकतात आमच्या भरोशावर अमरावती त्याच्यानंतर आता तुम्ही पाहा ना MIDCत किती लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या सातुर्ण इंडस्ट्री एरिया MIDC एरिया इथं कोणाच्याच कंपन्यात कुठे काम नाही आहे कोणाच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत आमच्या तरी कसं तरी चालू आहे तर तेही तुम्ही आमच्याकडून हिरवून नका घेऊ एवढी माझी नम्र विनंती आहे नमस्कार माझं नाव निलेश बाबाराव करंडे मी बडनेरा येथील रहिवासी आहे गेल्या 2 वर्षापासून माझा आरो प्लँटचा व्यवसाय दिनांक 6 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8 वाजताची वेळ आहे झोपेतून उठण्याच्या पहिलेच महानगरपालिकेचे अधिकारी आमच्या प्लांटवर येतात आणि आम्हाला कागदपत्रांची विचारणा करतात जेव्हा आम्ही प्लांट सुरू केला तेव्हा केवळ 2 कागदपत्र आम्हाला लागायचे एक म्हणजे बाजार परवाना आणि दुसरा शॉप ॲक्ट लायसन्स 6 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8 वाजता विचारणा केली गेली की तुमच्याकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे का दुसरी विचारणा आम्हाला केली सेंट्रल ग्राउंड रिपोर्टचे ना हरकत प्रमाणपत्र तुमच्याकडे आहे का तिसरी फूड अँड ड्रग्सच्या डॉक्युमेंटची आम्हाला विचारणा केली हे डॉक्युमेंट्स तुमच्याकडे आहेत किंवा नाही नसल्यास तुमचा प्लांट हा आम्ही सील करून इथून जात आहे अशी कारवाई करण्याची आम्हाला ताकीद देण्यात आली पण याची कुठलीही पूर्वसूचना आम्हाला दिली नाही आमच्याकडे पूर्ण अमरावती शहराकडे या 3 डॉक्युमेंट्सची कोणाचकडे पूर्तता नाही हे डॉक्युमेंट्स आम्हाला मिळवण्याकरिता शासनाने किमान 2 महिन्यांचा कालावधी द्यावा अशी आम्ही पोलीस आयुक्तांना विनंती करतो कारण आम्हाला कुठलीच पूर्वसूचना याची दिली नाही कसलीच माहिती आम्हाला दिली नाही महानगर पोलीस आयुक्तांना माझी एवढीच महानगरपालिका आयुक्तांना एवढीच विनंती आहे की या आमचे प्लांट सील न करता या डॉक्युमेंटची पूर्तता करण्याकरिता किमान 2 महिन्यांचा वेळ आम्हाला देण्यात यावा आता अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की समोर प्लांट आणि मागे घर आहे
आणि प्लांटला सील केल्यानंतर घरात देखील जाता येत नाही. अशा वेळेस शासनाला माझी एवढीच विनंती आहे की आमचे प्लांट सील न करता केवळ आम्हाला 2 महिन्याची मुभा देण्यात. निलेश मिरानी, अमरावती, जैन नेटवर्क. ये हमारा जो प्लांट है एक्वा का, ये सब मध्यम परिस्थिति के लोग चला रहे अभी तक. ये नियर अबाउट 2006 से अमरावती में चालू हुआ था. आज नियर अबाउट 300 प्लांट है. इसके अंदर जैसा वर्कर लोग मिला कि नियर अबाउट 10,000 से ज़्यादा काम करते हैं. तो कैसा है, जैसा आजकल कैसा होता है, जैसे ऑटो वाले और एसटी बस वाले वो आपस में लड़ते जैसे, तो ऐसे ही हमारा कैसा है कि जैसा हम एक्वा वाले हैं और जो पेकिंग ड्रिंकिंग वाटर वाले, इन्होंने क्या किया था 2013 के अंदर, इन्होंने नेशनल एक्वा नागपुर सारडा साहब नाम है उनका, और इन्होंने क्या किया था, एक हाईकोर्ट में केस दायर किया था कि भाई ये जितने भी एक्वा वाले अंगली वाले इनको भाई बंद करो. तो नागपुर हाईकोर्ट ने जजमेंट निकाला था 2013 में. वो जजमेंट कॉपी भी है हमारे पास, उसके बाद में वो केस नंबर भी है हमारे पास. उसके बाद में जजमेंट ने ये निकाला कि आज से नियर अबाउट 60-70 साल पहले, 50 साल पहले क्या होता था कि टॉकीज के बाहर ऐसा गिलास भर भर के पानी में बेचते थे, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर. तो आज जब 60 साल पहले जब बेचते थे लोग, जब ये बेचते थे मैंने कोई भी 5 पैसे में बेचते थे, 10 पैसे में बेचते थे. तो आज यही ये कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का 2013 का. आज ये लोग इंक्रूवमेंट करके उसको पानी को आर ओ से फिल्टर करके, यूवी करके, ओजोनेशन करके, उसके बाद में इसको चिल्ड करके, इनको लेबर को लेके से डायरेक्टर तक के ये लोग पहुँचा रहे, जगह जगह पे पहुँचाने की फैसिलिटी दे रहे. और इनको भाई ये भाई ये पूरा जजमेंट कोर्ट ने निकाला था और इनको भाई चलन दो. तो 2013 में जजमेंट निकालने बाद में इन्होंने कोर्ट ने हमको ये दिया कि भाई इसको चलन दो. बाद में इन्होंने हमको कॉर्पोरेशन ने, एफडीआई वालों ने हमको कुछ भी कार्रवाई करना बंद कर दिया था 2013 की बात है. उसके बाद में क्या हो गया कि उन्होंने और ट्राई किया हैदराबाद कोर्ट में, वो कोर्ट का नंबर मेरे को मालूम है, कोर्ट का केस नंबर मालूम है, वहाँ ट्राई किया, वहाँ की हाई कोर्ट में गए, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए हैदराबाद की, वहाँ जाके इन्होंने वहाँ भी ट्राई किया, तो वहाँ की जजमेंट ने वो भी रिजेक्ट कर दिया उनका केस कि भाई ये लोग भाई जन सेवा कर रहे, इमरजेंसी सेवा है और ये चला रहे, तो इनको ये चलने को ना, इनसे कोई प्रॉब्लम, ये कोई पैकिंग नहीं कर, लूज वाटर बेच रहे. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व व्यावसायिक बंधूंना विनंती करीतो, ॲक्वा व्यवसाय करणारे हे स्वतंत्र व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत, आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे संपूर्ण भारतामध्ये हा कॅन विक्री ज्याच्यामध्ये आपण चिल्ड पाणी तयार करतो ॲक्वाच्या माध्यमातून, आर ओ सिस्टीमच्या माध्यमातून ते पाणी आपण कस्टमर लोकांना, ग्राहकांना विकतो, आणि हे जेव्हा आपण आपलं खुलं पाणी आहे. अगोदर काय होतं, व्यवसाय करताना कोणी पाणपोया लावत होत्या त्यावेळेस माठात फक्त साधं पाणी भरायचे आणि ते लोकांना पाजायचं त्या पाणपुईद्वारे. अशी जी एक सिस्टीम आपण परिवर्तित केलेली आहे ही, की बा आपण थंड पाणी त्याला फिल्टर करून लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कुठली त्यांना हानी पोहोचू नये म्हणून आपण हे पाणी ॲक्वाच्या माध्यमातून फिल्टर करून पाणी आपण जनसेवार्थ, एक हा जनसेवेचा प्रश्न आहे. 30 रुपये कॅन ही मोठी विशेष गोष्ट नाही. एक जर पावटी आणायला जातो कोणी बेवडा दुकानामध्ये तर 300-500 रुपयाची कॉटर घेऊ शकतो. इथं आमची तर 30-35 रुपयाच कॅन आहे. आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या प्रमाणपत्राची कुठलीच गरज नाही, कारण BIS हा जो आहे प्रदूषण, आपण सर्वात पहिले पाणी जेव्हा निर्माण करीतो आपल्याजवळ काय राहते, एक आरो प्लांट आहे आणि एक चिलर आहे. कुठलंही त्या चिमणीमधून धुवा निघत नाही किंवा कोणत्याच आजूबाजूवाल्या लोकांना त्याचं प्रदूषण होत नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपण कोळशाची चिमणी लावलेली नाही आहे की तिथं प्रदूषण निर्माण होईल. आणि हे जे आपल्यावरची गदा आणत आहे अमरावती महानगर
महापालिका यांची आम्ही नरड्यावर पाय ठेवणार आहोत। आम्ही आजपर्यंत कोविड 19 मुळे परेशान होतो, डिस्टर्ब होतो, आणि या कोविड 19 मध्ये आम्ही जीवाची पर्वा न करता आम्ही सर्व सामान्यांना गोरगरिबांना पाणी वितरण केलं आणि ते मोफत केलेलं आहे। आणि दुसरी गोष्ट मला हे म्हणायचं आहे, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी ना हरकत प्रमाणपत्र मागतात हे नालायक, कोणाला कोणाला द्यायचं? अरे आमच्याजवळ माहिती आहे का, आम्ही सर्वात प्रथम पॅकेज म्हणून निर्माण करत नाही, किंवा आम्ही 1 लिटर 2 लिटर 5 लिटरची आम्ही बॉटल निर्माण नाही करत, त्याला पॅकेज लाय त्याला सील होईल हे काम आम्ही करत नाही। आम्ही फक्त सामान्य नागरिकांच्या जनसेवार्थ काम करत आहोत, आणि आमच्या कारखान्याला जर हात लावत असाल तर आमची औकात आणि आमची ताकद आम्ही एकीकरणात दाखवू। आणि यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणायचं आहे मला, माझे इथं आले होते कॉर्पोरेशनचा एक इन्स्पेक्टर, दोघ आले होते, मी त्यांना विचारलं कसे काय आले हो तुम्ही, मला म्हणतात तुमच्याजवळ हे नाही ते नाही, अरे हे नाही ते नाही, झोपले होते का जेव्हा आम्हाला तुम्ही लायसन दिले महानगरपालिकेनं, त्यावेळेस का अटी आमच्या तुमच्या पूर्तता का नाही केल्या, मग आम्हाला का तेव्हा तुम्ही अथॉरिटी दिली, हे सध्या तुमच्या डोळ्याला पट्ट्या बांधून होते का तुम्ही? म्हणून माझं आणि माझं म्हणणं असं आहे, फूड अँड ड्रग्स नारकत प्रमाणपत्र, फूड अँड ड्रग्स नारकत प्रमाणपत्र कोणाला दिला जातो? जो पॅकेज करत असेल, जो पॅकिंग करतो आणि तो माल विकतो त्याला फूड अँड ड्रग्सचं लायसन्स मिळते। बाकी आम्ही कुठलंच फूड अँड ड्रग्सच्या ऍक्टमध्ये सुद्धा येत नाही असं आम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला दाखवू।